एक गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी ने सख्त आदेश दिया था, बेटा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, भिक्षा मांग कर खाना है, राम नाम जपना है और किसी भी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना। दोनों चेला बड़े समझदार थे। उनमें एक चेला बड़ा सीनियर था, पुराना था, और एक चेला अभी साल दो साल की भर्ती थी, बहुत नया था, नया नया संन्यास लिया, और दूसरा वाला था पुराना सन्यासी था, वो ज्ञानी भी था। रहते रहते भाई सीनियर तो सीनियर ही होगा। गुरुजी ने दोनों को कहा, जाओ आज फलाने गांव से भिक्षा लाओ। तो सीनियर और जूनियर सन्यासी दोनों चले, भिक्षा मांगने गए। कहा गुरुजी ने किसी स्त्री का स्पर्श ना करना, दोनों गए। अचानक बारिश का मौसम था, तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, अधिक पानी आ गया। ये दोनों नदी पार करके उस तरफ जा रहे थे गांव में, पर पानी ज्यादा होने के कारण कोई नाव वाव थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। एक स्त्री आ गई, जवान लड़की थी, सुंदर थी। उस स्त्री ने कहा हमें पार लगा दो, हमें घर जाना जरूरी है, हम यहां कहां रहेंगे, हमें उस पार कर दो। अब ये सन्यासी, गुरुजी ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और वो लड़की मदद मांग रही है कि हमें उस पार कर दो। दोनों भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे, अभी अभी दोनों नदी को पार करके आए हैं, और इस पार आए तो एक लड़की लगी, बोले हमें उस पार कर दो, हमारा गांव है, रात हम कहां रहेंगे, सूर्य ढलने वाला है, कहां जाएंगे हम, हमारा कोई सहारा बन जाए। तो जो सीनियर वाला साधु था उसने कहा जूनियर साधु से, सुनो गुरुजी ने मना किया है किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, पर जूनियर साधु को लगा ना ये स्त्री हमें मदद के लिए पुकार रही है, और इंसानियत के नाते परमार्थ के लिए तो साधु का शरीर होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने उस लड़की को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। बड़ी जवान बड़ी सुंदर लड़की थी, वो लड़की पार हो गई, साधु उसे पार लगा के आ गए। अब वो सीनियर वाला साधु वो बड़ा बिगड़ गया, क्यों, गुरुजी ने मना किया था किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना। अब वो सीनियर साधु उससे अलग अलग चले, बोले हम तुझे छुएंगे नहीं, तूने पराई स्त्री को छू लिया, हम तुझे छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे तेरा। और वो जूनियर साधु लड़की को पार करके वो अपना भगवान के चिंतन में खो गया, वो भगवान का चिंतन कर रहा है, और ये सीनियर साधु वो लड़की का चिंतन कर रहा, उसको बिठाया, उसको कंधे में बिठाया, यहां कंधे में। दोनों गुरु जी के पास आए, सीनियर साधु की आंखें लाल लाल थी। गुरुजी ने कहा क्यों क्या हुआ, बोले गुरुजी जिस बात का डर था वही हुआ। क्या डर था, आपने मना किया था किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना। हाँ हमने मना किया था, और इसने आज एक स्त्री को कंधे पर बिठाया और पार लगाया, मैंने देखा गुरुजी। गुरुजी ने पूछा सन्यासी से जूनियर से, क्यों ये ठीक कह रहा है कि वो भगवान का ध्यान करने में इतना मस्त था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनाई कम पड़ा। गुरुजी ने उसे हिलाया, ए भाई उठ, ध्यान मग्न था, चलते फिरते ध्यान लग जाता था। गुरुजी ने कहा क्यों ये सच कह रहा है। गुरुजी हमने नहीं सुना क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये किसी लड़की को तुमने पार लगाया है। वो साधु भगवान के चिंतन में इतना खो गया कि वो भूल गया कि उसने किसी लड़की की मदद की है। कहते हैं किसी के साथ भला करो, इस हाथ से दान दो,
तो इस हाथ को भी पता ना चले। किसी के साथ भला करो तो भला करते ही भूल जाओ कि तुमने किसी के साथ भला किया। और आज के लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो उनके साथ भला किया, वो हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे भैया तुम सबके साथ भला करो और भला करके जल्दी से भूल जाओ। तुम्हें याद है इसलिए तुम्हें दुख होता है। और वो साधु ना बिल्कुल पक्का साधु था, भूल गया कि हमने किसी लड़की को पार लगाया, पर याद दिलाया या, हाँ 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 गुरुजी अभी घंटे भर पहले हमने एक लड़की को पार लगाया है। अब वो सीनियर साधु बोले गुरुजी कंधे पर बिठाया था इसने, कंधे मैंने देखा है। जूनियर साधु ने कहा गुरुजी मैंने तो घंटे भर पहले ही उसे अपने कंधे से उतार दिया, पर मेरे ये भैया जो हैं ये अभी तक उसे अपने कंधे पर ही बिठाए। मैंने तो उसका चिंतन छोड़ दिया और ये अभी तक उसी के चिंतन में, इसने छुआ नहीं, इसने उस लड़की को छुआ नहीं पर चिंतन मेरे से ज्यादा किया उस लड़की का। और मैंने उसे छुआ पर मैंने एक रत्ती उसका चिंतन, बस मेरी माँ एक पकड़ना होता है शरीर से एक पकड़ना होता है मन से। संसार को शरीर से तो पकड़ा करो, मन से तो केवल भगवान को पकड़ के रखो। संसार को जैसे किताब, ये देखिए ये किताब बुक है पुस्तक, ये देखो एक है ना, एक है पर इसके अंदर देखो पन्ने अलग अलग, ये है एक पर इसके अंदर सारे पन्ने अलग अलग, कोई पन्ना किसी से चिपका, कोई कागज किसी से चिपका नहीं है। बस मेरी माँ बाहर से तो एक रहो, सबके साथ परिवार के साथ एक रहो, पर भीतर से जैसे ये पुस्तक के पन्ने सबसे अलग अलग हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सबके बीच में रहकर सबसे अलग अलग रहो। भगवान से एक बने रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ाव बना रहे। ईश्वर से नजदीकियां हो, मन की नजदीकी संसार से ना हो, मन की नजदीकी गोविंद से हो। और तन की नजदीकी संसार के लोगों से है तो कोई आश्चर्य नहीं है।